जिस तरह का माहौल मध्य प्रदेश में बनाने की कोशिश की गई है, सुशासन की बात करते हैं, आज 3 साल से MPPSC की परीक्षा का रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है। जो सबसे हमारे अब कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे रेपुटेटेड संस्था है और उसके परीक्षार्थी चाहे वो किसी वर्ग के हो 3 वर्षों से अधर में लटके हुए हमारे प्रशासनिक अमला राज्य सरकार को नहीं मिल रहा, वैसे भी अधिकारी कर्मचारियों का अभाव है। इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता के ऊपर फर्क पड़ता है। ये किसकी गलती है? क्या सुशासन है जब हमारा राज्य लोक सेवा आयोग ही व्यवस्थित नहीं है, वहां प्रश्न पत्र गलत बन रहे हैं, उत्तर गलत जा रहे हैं, हाई कोर्ट में प्रकरण चला गया, पिछड़ा वर्ग 27% आरक्षण का विषय कोर्ट में एक एक करके सरकार ने डाटा जमा नहीं किया और सरकार की गलतियों की वजह से सरकार की पैरवी नहीं करने की वजह से मिला हुआ आरक्षण एक एक करके सब में रुकता जा रहा है, फिर सरकार कर क्या रही है? कौन सा सुशासन? मुख्यमंत्री जी जाते हैं जिलों में जाएंगे और फिर अरे कलेक्टर खड़े हो, कमिश्नर इधर आओ, लटका देंगे 17 वर्ष। अरे जो भी क्यों कर रहे हैं, जो बोला है वो बात कर रहे हैं, जो बोलते हैं जाके सब जगह अधिकारियों को प्रताड़ित करते हैं। अरे आपका सुशासन था, क्यों ऐसी ऐसा भ्रष्टाचार फैला कि हमारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो कांग्रेस सरकार ने लागू किया आज भी सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। श्रेय लेने में तो मास्टरी है, सब हम कर रहे हैं, सब हमारी योजनाएं हैं, फ्री में अनाज दे रहे, आज भी पात्र लोग भटक रहे हैं, खाद्यान्न से भटक रहे हैं। और यही सरकार ने पहले वृद्धा पेंशन के लिए कोई गरीबी रेखा की बाध्यता दी थी, सभापति महोदय आपकी भाजपा सरकार ने ही ऐसा नियम बना दिया कि आज गरीब व्यक्ति वृद्धा पेंशन गरीबी रेखा में नाम नहीं होने की वजह से भटक रहा है, उसको वृद्धा पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ये किसकी गलतियां हैं? ये बहुत सारी बातें हैं। आज बिजली के बिल से किसान परेशान है, आज हमारे क्षेत्र में भी कई 200 गांव की लाइट कटी हुई है, 10वीं 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। एक तरफ अनुसूचित जात जनजाति पिछड़ा वर्ग का बखान करते हैं और संत रविदास जी के श्लोक पढ़ते हैं, यहाँ महामहिम जी से भी पढ़वाया जाता है, उनके विचारों को पालन करने की बात कही जाती है। और गरीब का बच्चा पहले कोविड में नहीं पढ़ पाया, उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, उसके पास नेटवर्क नहीं था, इंटरनेट नहीं था। अब जब उसके एग्जाम देने की बात आई उस समय भी परीक्षा देने से वंचित करने का काम इस सरकार ने किया। कई गांवों में बिजली कटौती है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम कोविड के टाइम की वसूली नहीं करेंगे, आज किसानों का बिजली का बिल बढ़ाया हुआ आया हुआ है, हर व्यक्ति का बिजली का बिल बढ़ाया आया हुआ है और लोग परेशान है, लोक अदालत के नोटिस जारी हो रहे हैं। इसके लिए प्रावधान नहीं है, बहुत सारे प्रावधान बड़े बड़े किए हुए हैं पर सिर्फ कागजी प्रावधान है।